وسلم صلى الله عليه وسلم खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या जुदो करम, बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो करम, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है गैर कमों क्या देखे, तेरे कदमों पे चढ़े देख के तलवार तेरा कौन नजरों पे चढ़े दे के तलवार तेरा वाह क्या जो दो करम, ऐशहे बतहा और तेरे टुकड़ा पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ा पे पले
गैर की ठोकर झिड़े किया खाए कहाँ, झिड़े किया खाए कहाँ, छोड़ के सदका मजबूर किया है कि मैं आके आपको गले लगा के जो है ना, और साथ में फिजा इनको ये भी मुबारकबाद दे दें कि ये जिनका जिनके लिए पढ़ती हैं उन्होंने इसको इनको इस रमज़ान मुबारक में मदीना बुलाया है। क्या बात है। और ये तकाफ की नीयत से मदीना पाक इस दफ़ा जा रही हैं, ये वहाँ शहर तैबा में ईद करके वापस आएंगी। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये भी प्लानिंग है ना रमज़ान की कि आप एतकाफ के लिए, उमरा के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो करें। क्या कहेंगे सिद्रा, कुछ कहिए। जो फीलिंग्स है वो मैं बयान नहीं कर सकती कि फर्स्ट टाइम जाना है और हुजूर की बारगाह में हाजिर होना है। आई कांट एक्सप्लेन, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह बयान करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में बैठकर रोज़े रखना, इतकाफ वहाँ पर, और सारी ईदें यहाँ पर जो तो देखते हैं वो तो है ही, मतलब लेकिन जिंदगी में सारी ईदें जो यहाँ पे, लेकिन जो क्या जो ईद वहाँ पर ईद है वो सबसे बड़ी ईद है। क्या कहने हैं, सबसे बड़ी इनकी तो ईद हो गई, इनकी तो ईद हो गई, ये है ईद, ये है असल ईद। बहुत खुशकिस्मत है आप माशाल्लाह। और यही सोच के ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल, अल्लाह आपको ये ईद मुबारक करे। आपकी फैमिली के क्या तासुरात है? फैमिली मेरी बहुत ज्यादा खुश है कि इतनी कम एज में। हाउ ओल्ड आर यू? 18 टू 19 है अभी तो। तो अम्मी जी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी बच्ची, एक तो नात खातू हूँ, हुजूर की बारगाह में हाजिर होना फैमिली के साथ, और मैं फिर कहूँ मैं बयान नहीं कर सकती। बेटा ये हर एक के नसीब की बात नहीं होती, तो बुलावा है, बुलावा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हम सबकी तरफ से, जितने देखने वाले सुनने वाले सबकी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, प्यार। क्या बात है जी, मजा आ गया। अच्छा, एक और मैं जरा आपसे सवाल करना चाहूंगी शॉपिंग की तरफ जरा बात है। जब रमजान आता है प्राइसेस इधर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए, इवन जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी प्राइसेस जो है रमजान में स्पेशली डिस्काउंट हो जाता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। मगर जब यहाँ हमारे मुल्क में, जबकि हम अपने आप को कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे पास जब रमज़ान आता है तो हम अपने प्राइसेस को नॉट इवन 10% 20%, हम 50% 50% 60% 60% बढ़ा देते हैं। आप कोई भी अशा ले लें, सब्ज़ी ले लें, कपड़े ले लें, मतलब मैं ये देखती हूँ कि जितनी भी मेरी दोस्तें हैं, जानने वाले लोग हैं, वो जब कपड़े शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उनके रेट बढ़े हुए होते हैं, स्पेशली जब वो ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो उनके रेट बढ़े हुए होते हैं। बाज़ लोग तो इतनी बेवकूफ़ी करते हैं कि रमज़ान से पहले की कोई टाइमिंग उनकी नहीं होती कि वो पहले से जाके अपनी प्लानिंग में ग्रॉसरी शामिल करें, क्लोदिंग जो लाइन उन्होंने ईद पर पहननी है, सेलिब्रेशन सारी चीज़ें वो अपनी पहले से कर लें तैयारियाँ, वो जो जो मार्केटों के धक्के हैं वो खाना ठीक है उनके लिए, और उस लाइन में खड़े होना ठीक है, वो प्राइसेस जो बढ़ जाती है उसमें ठीक है। तो ये एक बड़ा मसला है, इस पे ज़रा भी बात करते हैं, मगर वक्फा दरकार है, उसके बाद इस बात को एलैबोरेट करेंगे। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं सुबह की फिजा और हम आपके सामने यहाँ पे
इस्तकबाल रमजान जो है सेलिब्रेट करें। आदाब। सुबह की फिजा फिजा।